इस अध्याय के आरंभ में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से अनेक प्रश्न पूछे। आप इस सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा सुनते आए हो। आपने पढ़ा किस प्रकार परम भगवान ने प्रहलाद की सुरक्षा की और प्रहलाद कौन थे? उत्तम कोटि के भक्त। तो इस अध्याय के आरंभ में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से अनेक प्रश्न पूछे। आप भागवतम में देखते हो कि अनेक भक्त प्रश्न पूछते हैं। भागवतम में क्या है? प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर। जैसे आप जब इम्तिहान की तैयारी करते हो तो किताबें छापते हैं ना, क्वेश्चन आंसर। भागवतम में अनेक प्रश्न हैं और साथ में उत्तर भी है। युधिष्ठिर महाराज वैसे तो आत्मज्ञानी हैं, पर युधिष्ठिर महाराज ये स्थापित करते हैं कि जब आप किसी संत को मिलो तो उस संत से हमें आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे इसी सातवें स्कंद में आगे जाकर युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा, ये बताओ कि हम जैसे अज्ञान व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में हैं, किस प्रकार वैदिक शास्त्रों के अनुसार जीवन को सफल बना पाएंगे? तो आप कहोगे युधिष्ठिर महाराज ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। एक रूप से देखा जाए यह प्रश्न पूछ रहे हैं किसके लिए? हम सबकी भलाई के लिए। तो नारद मुनि का प्रश्न क्या था युधिष्ठिर महाराज? और नारद मुनि जैसे आप जानते हो बारह में एक महाजन माने जाते हैं। शंभु नारद शंभु कौमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि भाई ऐसा के भाई। बारह प्रसिद्ध अधिकारी हैं जिनके द्वारा आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जिनमें एक है नारद मुनि। भागवतम के दसवें स्कंद में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान हमें परंपरा द्वारा प्राप्त करना चाहिए, और परंपरा द्वारा प्राप्त होगा ये ज्ञान औषधि बन जाएगा हमारी सब समस्याओं के लिए। तो नारद मुनि हैं परम ब्रह्म, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, फिर ज्ञान आगे दिया व्यासदेव को, जिन्होंने शुकदेव गोस्वामी को दिया, फिर इस प्रकार परंपरा द्वारा यह ज्ञान आ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न क्या था? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था ये शिक्षा दीजिए किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है, क्या होना चाहिए हमारा धर्म, ये था उनका प्रश्न। तो नारद मुनि जो स्वयं आत्मज्ञानी हैं, जिनके मन में सदा एक ही भाव रहता है, नारद मुनि के मन में सदा एक ही भाव रहता है, वो भाव क्या है? नारायण का प्रचार करो, लोगों को जोड़ो भगवान की सेवा में। और नारद मुनि पतितों को भी वो प्रचार करते हैं, जैसे मृगारी शिकारी का उदाहरण किया। तो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि ने ये कहा कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए, जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अभी यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग करो भगवत प्राप्ति के लिए। तो नारद मुनि का उत्तर था आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करो, परम भगवान के शरणागत हो जाओ। और इस अध्याय में नारद मुनि समझाते हैं कि समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्ण और आश्रमों में। और नारद मुनि ने पिछले श्लोक में 30 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया है जो कि हम सबको अनुकूल करना चाहिए। 30 गुणों में एक है
सत्यता। भगवद गीता में जीव की तपस्या का वर्णन है और जीव की एक तपस्या क्या है, सत्य का उच्चारण करो। तो मानव समाज में हमें सत्यता का पालन करना चाहिए। फिर मानव समाज में कृपा की भावना होनी चाहिए, दयालु होना चाहिए। आज समाज की स्थिति ऐसी है कि लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं और साथ में पशुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं और कई धर्म के नाम पर पशुओं को भगवान के दुर्गा जी के चरणों में भी अर्पण करते हैं। ये महान अपराध है। जिसके पास असली धार्मिक ज्ञान है वो सब जीवात्मा को आदर देता है। हम बीजा प्रदा पिता, मैं हूँ सब योनियों का पिता। और आगे तपस्या, भगवद गीता में भगवान कहते हैं तीन चीज़ों को तुम कभी नहीं त्याग सकते, चाहे तुम आत्मज्ञानी व्यक्ति हो। क्या है ये तीन चीज़ें? हाँ, यज्ञ, दाना और तपस्या। संक्षेप में तपस्या का अर्थ है उन कार्यों को त्यागना जो कि शास्त्र के विपरीत है। ये हमारा आधार शास्त्र, धर्मां त्यो साक्षात भगवत परिणाम। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। फिर स्नान करना, शास्त्र में कहा गया है दिन में दो दफ़ा कम से कम स्नान करना चाहिए। जब तक पानी है कर सकोगे, जब पानी समाप्त हो जाएगा तो एक दफ़ा भी मुश्किल होगा। दिन में दो दफ़ा स्नान करना। फिर सहनशीलता, व्यक्ति का एक गुण ये होना चाहिए उसे अत्यंत सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय पर बड़ा बल दिया, चिनाद भी सुनी चेना हमारी मन देना के दिन नहीं सर। हमें सहनशील होना चाहिए। बौद्धिक संसार में आदर अपमान, सुख दुख, हाँ विजय हार, ये सब आएंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जैसे मौसम बदलते रहता है उसी प्रकार सुख और दुख दोनों स्थिति में हमें स्थिर रहना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए। फिर ये भेदभाव क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बड़े गहराई के साथ शिक्षा दी भक्ति के विषय में और भगवान के शरणागत होने के विषय में। महाप्रभु ने कहा जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है। तो हमारे पास मानव समाज में ये ज्ञान होना चाहिए कि हम ये भेद कर सकें क्या ठीक है क्या गलत है, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो ये ज्ञान आप केवल जब प्राप्त करोगे अगर आपके पास स्वयं ज्ञान हो। अगर स्वयं अंधे हो तो कैसे देखोगे? तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संग सर्वसाधकाया नाम मात्र साधु संग सर्वसिद्धिहाया। भक्तों की संगत में रहो, शास्त्रों का अध्ययन करो, इसके द्वारा आप पहचान सकोगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। फिर मन पर विजय प्राप्त करो। मन जो है आपका शत्रु भी बन सकता है और बंधु भी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन को बंधु बनाओ। जिस व्यक्ति ने मन पर विजय प्राप्त कर लिया वो हर स्थिति में संतुष्ट होगा और जिसने मन पर विजय प्राप्त नहीं किया वो सदा अशांत रहेगा। शास्त्र में कहा गया है मन को बंधु बनाओ। मन को बंधु बनाने का अर्थ क्या है? मन को बंधु बनाने का अर्थ है मन में सदा अध्यात्मिक विचार रखो।
सुमन को मंदु बनाने का अर्थ है मन में शासन के आधार पर विचार रखो, और अगर आप मन को वश में रखोगे तो बड़ी सरलता के साथ भक्ति की विधियों का पालन कर सकोगे। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, मन मना भावा मद भक्तो मन्या जी मम माँ में वाची सत्यम देव पति जिन्हें में भगवान गीता में कहते हैं, मेरा चिंतन करो जैसे मैं सबसे प्राचीन हूँ, मेरा चिंतन करो जैसे मैं युवक हूँ। भगवान कहते हैं अनेक रूपों से हम उनका चिंतन कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का, उपदेश का, आदेश का, स्वरूप का। तो किसी न किसी रूप से मन को वश में लाओ। अर्जुन ने क्या कहा, चंचलाई मना कृष्णा, हे कृष्णा मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है। तो क्या आप कहोगे जब अर्जुन ने ये कहा तो हमारे लिए क्या संभव होगा। भगवान आगे ये भी कहते हैं, भक्ति की विधियों के पालन से मन को आप वश में ला सकोगे। ये जो अनेक नियम दिए जाते हैं आपको, जप करो, मंगल आरती में आओ इत्यादि, ये सब विधियों के पालन से मन को आप वश में कर सकते हो। तो फिर आगे अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है किसी को कष्ट नहीं देना। आजकल आप देखते हो बुद्धिज्म का प्रचार काफ़ी हो रहा है सारे विश्व में। परसों मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में हर तीसरा स्टूडेंट लीडर बुद्धिज्म की क्लास में बुद्धिज्म पढ़ रहा है, और बुद्धा जी प्रकट हुए थे। ऐसे तो बुद्धा जी भगवान के अवतार हैं। उनका सिद्धांत था अहिंसा, पर आजकल के जो आधुनिक युग के बुद्धिस्ट हैं वो किसी को नहीं छोड़ते, सब चीज़ खा लेते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं चाहे किसी धर्म के भी हो, कई बार प्रभुपाद जी ईसाई नेताओं से चर्चा करते थे, प्रभुपाद जी उन्हें कहते थे कि जीसस क्राइस्ट ने कहा थाउ शैल नॉट किल, तुम किसी को मारोगे नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो हम धार्मिक हैं और पशुओं पर अत्याचार करें। तो इसलिए आध्यात्मिक गुणों में एक गुण है अहिंसा। आप जद भारत की कथा में पढ़ते हो कि वो इतने सावधानी से चल रहे थे कि एक चींटी पर भी पैर नहीं आ जाए। आप चैतन्य चरितमृता में एक शिकारी की कथा पढ़ते हो जिसका नाम था मृगारी। मृगारी शिकारी पशुओं को पहले घायल करता था, फिर उन्हें तड़पते हुए देखता था, इसमें आनंद उठाता था, और फिर जब मर जाते थे खाता था और बेचता था। तो एक दिन नारद मुनि जंगल में पहुंचे। नारद मुनि ने देखा अनेक घायल पशु। नारद मुनि ने पूछा कौन है इसका कारण। जब नारद मुनि ने उन्हें शिक्षा दी कि इसका क्या परिणाम होगा, तो शिकारी ने निर्णय कर लिया कि मैंने ये पाप का धंधा छोड़ना है। उसने पूछा पर ये तो मेरे आमदनी का साधन है, अगर मैं ये छोड़ दूँ तो कैसे रोटी आएगी। नारद मुनि ने कहा चिंता मत करो, दूर दूर तक खबर पहुंच गई ये भयंकर शिकारी भगवान का भक्त बन गया है। तो भारत में रिवाज है आप संत को भी मिलने जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाते। तो पर एक दिन नारद मुनि उन्हें मिलने आया अपने साथी अंगिरा मुनि के साथ। उन्होंने देखा कि इस शिकारी में इतना परिवर्तन आ गया था कि वो अपने पैरों को भी नहीं रख रहा था जमीन में ये देखे बिना कोई चीटी तो नहीं है। तो ये है साधु संघ का प्रभाव। तो जो आध्यात्मिकवादी हैं उनमें अहिंसा का भाव रहता है।
दान सेलिब्रेसी शास्त्रों का अध्ययन हमारी संस्था में शास्त्रों के वितरण पर बल दिया जाता है कि नहीं उसे क्या कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन बृहद मृदंगा सिद्धानंद मृदंगा की आवाज़ तो थोड़ी दूर तक ही जाएगी पर हम एक ग्रंथ को बांटोगे जूहू में बॉम्बे में उसका ध्यान हो सकता है लंदन में तो भक्ति सिद्धांत जी ने इस सेवा को बृहद मृदंगा कहा पर हमें शास्त्रों का केवल वितरण नहीं करना उनका अध्ययन भी करना है ये भी आवश्यक है इसलिए वो कहता भागवतम क्लास होती है गीता क्लास होती है शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए तो 30 गुणों में नारद मुनि ने 30 गुणों का वर्णन किया है जो कि हर व्यक्ति जो मानव देह प्राप्त करें उसे अनुकूल करना चाहिए और ये 30 गुणों में एक गुण क्या है शास्त्रों का अध्ययन तो शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है और आज इस्कॉन में अनेक कोर्सेज चल रहे हैं भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव इत्यादि जिसमें भक्तों को मौका दिया जाता है बड़े गहराई के साथ क्या करें ग्रंथों का अध्ययन तो 30 गुणों में एक गुण क्या है शास्त्रों का अध्ययन और प्रभुपाद जी ने इस विषय में कहा है कि परम भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त ये भक्त शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है तो भगवान क्या कहते हैं सबसे पहले भगवान प्रसन्न होते हैं क्यों क्यों प्रसन्न होते हैं आप उनकी वाणी को पढ़ रहे हो भगवान देखते हैं ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है तो मुझे उसे बुद्धि देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके इसलिए शास्त्र में कहा गया है शास्त्रों का अध्ययन और 30 गुण जो कि नारद मुनि ने वर्णन किया है इन 30 गुणों में एक गुण क्या है शास्त्रों का अध्ययन फिर साधारण जीवन सादा जीवन और ऊंचा विचार यह है हमारा सिद्धांत क्या सादा जीवन ऊंचा विचार यह है शासन का निर्णय भौतिक समाज में क्या नियम है ऊंचा जीवन सादा विचार राग लूटो चोरी करो जेब काटो पर ऊंचा जीवन चाहिए नई मोटर नए कपड़े और सादा विचार का अर्थ क्या है पशु समान कहाँ है इंद्रिया तृप्ति की सुविधा और सादा जीवन ऊंचा विचार का अर्थ क्या है सादा जीवन उतना ही आवश्यक रखो जितने उतना ही रखो जितना आवश्यक है और ऊंचा विचार सदा ये भाव जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए जैसे युधिष्ठिर महाराज ने पूछा ये बताओ जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए ये बताओ जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त हो सकती है ये था युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न और एक रूप से देखा जाए ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये पूछे जा रहे हैं आपके और हमारी भलाई के लिए युधिष्ठिर महाराज तो शुरू से ही आत्मज्ञानी हैं तो कहा गया है सारा जीवन फिर संतुष्टता हमें संतुष्ट रहना चाहिए भौतिक जीवन में कोई संतुष्ट है हाँ आप सोचते हो भारत का जो सबसे धनी व्यक्ति है या विश्व का जो सबसे धनी व्यक्ति है अपने धन से संतुष्ट है अगर संतुष्ट होते रोज नया धंधा क्यों शुरू करते रोज नया धंधा शुरू करते हैं क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है सोचते जितना है वो उतना कम है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तो और प्रयास करते हैं तो भौतिक संसार में वही व्यक्ति संतुष्ट है
जो कि परम भगवान के शरणागत हो गया है। चौथे स्कंद में नारद मुनि प्रचेतस को उपदेश देते हैं। प्रचेतस एक राजा के पुत्र थे, राजा का नाम तक महाराज परिश्रम परिषद। तो नारद मुनि ने कहा, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रिय पश्यन्ति च तुष्यदेशु जनार्दन। वो व्यक्ति परम भगवान को प्रसन्न कर सकता है जिसमें दया की भावना हो, जो हर स्थिति में संतुष्ट है और जिसने मन और इंद्रियों को वश में रखा है। जिस व्यक्ति में ये तीन गुण हो, वो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर सकता है। तो नारद मुनि इस अध्याय में 30 गुणों में एक गुण क्या कहते हैं, संतुष्ट। पर आप संतुष्ट केवल जब होगे, जब आप आध्यात्मिक जीवन को अनुकूल करो, जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करोगे तो ही संतुष्ट प्राप्त हो सकती है। आप देखते हो भौतिक समाज में सब अशांत हैं। हम सोचते हैं हमारे देश में सब अशांत हैं, दूसरे देशों में लोग शांत हैं। सब जगह बेचैनी, निराशा, तनाव, चिंता। तनाव चिंता का कारण क्या है? अनेक भौतिक इच्छाएं। तो कोई संतोष नहीं है। पर जिस व्यक्ति ने हरि नाम स्वीकार कर लिया, वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट है। सनातन गोस्वामी के पास एक परस पत्थर था जो किसी चीज़ को भी छूने पर सोना बना देता था। तो सनातन गोस्वामी ने वो परस पत्थर कहाँ रखा था? कूड़े के डब्बे के नीचे। जब एक व्यक्ति आया, ब्राह्मण, मैंने सुना है आपके पास एक बड़ी कीमती वस्तु है। सनातन ने कहा, हाँ ले लो वो परस पत्थर। तो जब किसी ने उसे कहा, अगर ये सबसे कीमती वस्तु होती तो उस सर ने इसे कूड़े के डब्बे के नीचे क्यों रखा? फिर उन्होंने क्या दिया? हरि नाम। तो अगर आपको असली संतुष्ट चाहिए तो हमें क्या परम भगवान के शरणागत होना चाहिए? फिर संतों की सेवा करना। 30 गुणों में एक गुण क्या है? संतों की सेवा करना। ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा, मेरे कारण तुम्हें इतनी तपस्या उठानी पड़ी भांगो मेर से, क्या वर चाहिए? ध्रुव ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा उत्तम भक्तों की संगत में रहूं। उत्तम भक्तों की संगत में रहोगे तो सेवा भाव अनुकूल होगा। तो 30 गुणों में एक गुण ये है, संतों की क्या करना? संतों की सेवा, संतों की संगत प्राप्त करना, संतों की सेवा करना। और ये भाव होना चाहिए सब संतों की सेवा करना। ये भाव नहीं होना चाहिए केवल हम गुरु जी की सेवा करेंगे, दूसरों की नहीं। सब संतों की सेवा करो, सब संतों को आदर दो, सब संतों की संगत लो, साधु संगत। तो यही है संतों की सेवा करना। और जो कार्य भक्ति से संबंधित नहीं है, जो कार्य प्रतिकूल है, उसे त्यागो। रूप गोस्वामी आध्यात्मिक जीवन के महत्व के विषय में कहते हैं, वे मेरे प्रिय मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़ो भरो, पर भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। जैसे कि भौतिक समाज में अगर आपको कोई सफलता चाहिए तो आपको प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास के कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको IIT में दाखिला चाहिए
जो कि हर भारतीय की इच्छा रहती है, हर विद्यार्थी की, तो फिर प्रयास परिश्रम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई जब करते हो तो खेलना कूदना बंद करना पड़ता है। तो उसी प्रकार परम भगवान के शरणागत होने के लिए हमें जो प्रतिकूल कार्य हैं वो त्यागना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया है जो कि प्रतिकूल कार्य हैं, जो आवश्यक नहीं है, इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, अत्याहारा प्रयश पर जल पद यवाग्रह जनसंघर्ष लोलियम चार सदवीर भक्ति विनश। आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी अगर आप आवश्यकता से अधिक प्रयास करोगे, आवश्यकता से अधिक खाओगे। प्रजल्प, प्रजल्प का क्या अर्थ होता है? वो चर्चा जिसका कृष्णा से है, प्रजल्प। और हमें प्रजल्प की आदत है सबको, कृष्ण कथा की आदत डालने में कठिनाई अनुभव होती है, क्योंकि हम पले हैं जिस वातावरण में, हम बचपन से हम क्या करते आए हैं, प्रजल्प करते हैं। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं प्रजल्प भी है प्रतिकूल है। भौतिकवादियों की संगत उतना ही रखो जितना कि आवश्यक है और उससे अधिक नहीं। तो जो कार्य असंभव है, जो कार्य भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसे त्यागो। फिर गंभीर रहना और मौन व्रत रखना। आप कहोगे मौन, हम चुपचाप रहे, इसका अर्थ है चर्चा करो तो कृष्ण कथा करो। और जब भौतिक चर्चा का समय आता है, जब क्या बन जाओ, गूंगे बन जाओ। भगवत में आप जद भारत की कथा पढ़ते हो, जद भारत पूर्व जन्म में पूरे पृथ्वी के राजा थे, जिसमें उनका नाम क्या था, भारत महाराज, और पूरे पृथ्वी का नाम था भारतवर्ष। पर वो एक पशु के प्रति आकर्षित हो गए थे, जिसके कारण उन्हें पशु के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा, जिसके पश्चात उन्हें जन्म प्राप्त हुआ एक ब्राह्मण कुल में, जिनमें उनका नाम क्या था, जद भारत के रूप में जब जन्म प्राप्त किया, उन्हें पता था क्या गलती उन्होंने पूर्व जन्म में की थी, तो समाज में उनका आचरण कैसे था, जैसे वो गूंगे थे और बहरे थे तो लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, गूंगा व्यक्ति, बहरा व्यक्ति। पर जब उन्हें मौका मिला महाराज रघुगुना को उपदेश देने के लिए, तो वो शेर जैसे बोले। तो इसे क्या संदेश मिलता है? ये संदेश मिलता है, जब भौतिक चर्चा, भौतिक प्रजल्प का समय हो, तो आपको गूंगा और बहरा बन जाना चाहिए। और जब प्रचार का मौका हो, तो शेर जैसे। एक समय एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि हम विनम्रता के साथ ग्रंथों को कैसे बांटें। एक अमेरिकन लड़की ने पूछा था, प्रभुपाद, हाउ कैन आई बी हम्बल एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एट द सेम टाइम, बिकॉज टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स यू हैव टू बी अ लिटिल अग्रेसिव। प्रभुपाद सेड, बी अ लैम एट होम एंड अ लायन आउटसाइड, कि भक्तों के साथ जो व्यवहार है, लैम, व्हाट द हिंदी वर्ड फॉर लैम, मेदना, जब भक्तों से व्यवहार हो तो मेदना जैसे व्यवहार रखो।
और जब प्रचार का मौका आए तो शेर जैसे, तो ये नहीं घर में शेर बन जाओ और बाहर में ना बन जाओ। अक्सर देख क्या देखते हैं, घर में हम शेर बन जाते हैं लड़ने को तैयार, और प्रचार के समय मेदना बन जाते हैं। तो होना चाहिए उल्टा, घर में मेदना और बाहर शेर। तो यहाँ कहा जा रहा है भक्त को मौन रहना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं कि मौन की हम चर्चा नहीं करें, इसका ये अर्थ है अब भौतिक चर्चा से बचें, सदा निरंतर 24 घंटे हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं, कृष्ण कथा कर सकते हैं, पर भौतिक चर्चा उसके लिए हमारे पास समय नहीं। इसलिए 30 गुणों में एक गुण क्या है, एक गुण ये है कि सदा शांत रहना। फिर सब जीवात्मा को भगवान का ज्ञान देना। तो इस प्रकार नारद मुनि ने 30 गुणों का वर्णन किया है। ये कहा है कि मनुष्य जीवन का उपयोग करो किस लिए, भगवत प्राप्ति के। तो ये 30 गुणों के वर्णन करने के पश्चात नारद मुनि आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, समाज का विभाजन 4 वर्ण और 4 आश्रमों में होना चाहिए, जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और ये हैं 4 आश्रम, फिर साथ में हैं 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है बुद्धि के साथ, दिमाग के साथ, सिर के साथ। क्षत्रियों की तुलना की जाती है किसके साथ, भावों के साथ। वैश्यों की तुलना की जाती है किसके साथ, शूद्रों की तुलना की जाती है पैरों के साथ। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ, क्यों, सिर शरीर का एक रूप से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपने कभी देखा है किसी व्यक्ति को सिर के बगैर देखा है, हाथ के बगैर देखा है, आंख के बगैर देखा है, पैर के बगैर देखा है, पर सिर के बगैर देखा है? तो ब्राह्मणों का समाज में होना बहुत आवश्यक है। और ब्राह्मणों के गुणों का भी वर्णन है, शमो दमो तमो सोचम शांति रजो में ओचा ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक ब्रह्म कर्म। ये ज्ञान प्राप्त होता है 18वें अध्याय में। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति कोई गृहस्थ आश्रम में हो और उसकी मान लो इच्छा हो संतान की, संतान अगर चाहिए आपको तो हमें क्या करना चाहिए, गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार में अनेक नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए अगर आपको संतान चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं मैथुनीय का उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक औलाद की प्राप्ति। दूसरे शब्दों में नारद मुनि यह कह रहे हैं कि हमें द्विज बंधु, हमें आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करोगे तो ही जीवन की सफलता प्राप्त होगी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी मैथुनीय की चर्चा करते हैं। भागवतम में हर विषय की चर्चा स्पष्ट है। जैसे कि एक कथा है भागवतम में, एक राजा की जिनका नाम था महाराज ययाति। इस राज महाराज ययाति को 10,000 वर्षों के लिए इंद्रिया तृप्ति की हर प्रकार की सुविधा थी, पर 10,000 सालों के पश्चात राजा ने कहा कि मैंने कितना प्रयास किया पर मैं इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाया। तो भगवत में कहा गया है कि अगर आपको सुख चाहिए
तो ये सुख प्राप्त होगा इंद्रिय तृप्ति द्वारा नहीं, परम भगवान के शरणगत होकर, ये असली साधन। तो नारद मुनि कह रहे हैं, प्रभा जी समझाते हैं कि मैथुनिया का उद्देश्य होना चाहिए संतान भगवत प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। और प्रभा जी का अगर किसको संतान चाहिए तो गर्भधान संस्कार के बजाय अगर आप 50 माना करो वो भी उसी के बराबर है। पर हम सब का भाव ये होना चाहिए गृहस्थ आश्रम में भी भगवत प्राप्ति। ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में हमें पूरी छूट है, जैसे सातवें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने ही नारद मुनि से पूछा, जैसे हमने थोड़े समय पहले कहा था, युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये बताओ किस प्रकार हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैदिक साहित्य के आधार पर जीवन को सफल बना सकते हैं। ये प्रश्न उन्होंने किससे पूछा? नारद मुनि से। तो नारद मुनि ने कहा जो गृहस्थ आश्रम में है उसे लाइवलीहुड, कुछ कमाई करनी चाहिए, चाहे नौकरी करो धंधा करो कुछ करना चाहिए। साथ में उन्हें कमाई का हिस्सा भगवान के चरणों में देना चाहिए। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? साधु संघ के द्वारा। इसलिए नारद मुनि कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं उन्हें बकायदा साधु संघ में रहना चाहिए। साधु संघ में रहोगे तो ठीक ज्ञान प्राप्त होगा, और भक्तों की संगत में रहोगे तो क्या, गलत विचार सुनने में मिलेंगे। तो इसलिए हमें भक्तों की संग में रहना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो शास्त्रों का अध्ययन करोगे फिर आप समझ पाओगे क्या है जीवन का लक्ष्य। तो नारद मुनि इस श्लोक में कह रहे हैं समाज का विभाजन होना चाहिए, और ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चार आश्रमों में, और जो ब्राह्मण हैं उनका क्या भाव होना चाहिए? शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों की शिक्षा। इसलिए हमारी संस्था में अगर किसी को ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो कई बार ये कहा जाता है पहले भक्ति शास्त्री का कोर्स करो। क्यों? शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो समझ पाओगे कि ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए, ब्राह्मण का क्या आचरण होना चाहिए। ये नहीं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए, और ये संभव है शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। यहाँ कहा जा रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्रों का प्रचार। तो समाज में ब्राह्मणों का होना आवश्यक है। जो क्षत्रिय हैं उनका क्या कर्तव्य बनता है? समाज का शासन करना। क्षत्रिय जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, और क्षत्रियों का भाव रहता है समाज की सुरक्षा। खास करके समाज में जो बूढ़े व्यक्ति हैं, स्त्रियां हैं और बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा होना चाहिए। आज आप समाज में देखते हो किसी की सुरक्षा नहीं है। किसकी सुरक्षा? चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की सुरक्षा नहीं हो रही। पर क्षत्रियों का फर्ज है सुरक्षा। और युद्ध के समय जो क्षत्रिय राजा होते थे सबसे आगे युद्ध में लड़ते थे। आज जब युद्ध होता है तो हमारे नेता अंडरग्राउंड बंकर में छुपते हैं। तो पर प्राचीन समय में जो क्षत्रिय राजा थे सबसे आगे खड़े होते थे। फिर वैश्य
वैश्य का होना भी आवश्यक है. उनकी तुलना की जाती है पेट के साथ. वैश्यों का क्या कर्तव्य? समाज में व्यापार करना, खेती करना. खेती करोगे अच्छी तरह तो अच्छी फसल आएगी. भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण. वर्षा की प्राप्ति होती है जब तुम क्या करोगे? योर यज्ञ करते हैं, धर्म के नियमों का पालन. पृथ्वीराज जब राजा बने, पूरी प्रजा अत्यंत दुखी थी. पृथ्वीराज ने आदेश दिया भगवान का गुणगान करो. तो जो वैश्य है उनका कर्तव्य है खेती और आगे गायों की सुरक्षा. सात माताओं में एक माता है गाय माता. और गायों की सुरक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. आज इस्कॉन के भक्तों के द्वारा सारे विश्व में गौशाले खोल रहे हैं. रशिया जैसे देश में भी आज इस्कॉन संस्था की कोई 15 गौशाला हैं जहाँ की गायों की रक्षा हो रही है. ये दिखाया जा रहा है समाज को गायों की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए. प्राचीन समय में धन मापा जाता था ये देखकर कितनी गायें हैं. जब भगवान प्रकट हुए मथुरा में वासुदेव देव की कैदी थे उस समय. भगवान प्रकट हुए अपने चार हाथों के रूप में. सोनकर पूरा शरीर गहनों के साथ सजा हुआ था, मणियों के साथ, जिनमें एक मणि है जिसका नाम है वैदुरिया मणि, जिसे आप केवल वैकुंठ धाम में खरीद सकते हो. और खानी जो हर सेकेंड उसका रंग बदलता है. तो वासुदेव देव की बड़े प्रसन्न हुए ये देखकर कि भगवान प्रकट हो चुके हैं. पर वासुदेव की इच्छा थी कुछ दान दिया जाए. ये रिवाज है जब बेटा पैदा हो तो पिता दान देते हैं. पर उनकी समस्या क्या थी? वो जेल में थे, वो अन्न दान दे नहीं सकते. तो उन्होंने 10,000 सजीव गायें मनी मन में दान दे दी. नंद महाराज के पास 9,00,000 गायें थी. कितनी? 9,00,000. और नंद महाराज की हर गाय सजी हुई थी हीरों के साथ, मोती के साथ. और उनमें कई गायें थी जिनसे सुगंधित दूध आता था. अभी तो आपको सुगंध चाहिए तो आपको चीनी डालनी पड़ती है या वनीला डालना पड़ता है या स्ट्रॉबेरी या कुछ. पर ये गायें सुगंधित दूध देती थी. सुगंधित दूध कैसे देती थी? क्योंकि कि जो घास खिलाया जाता था वो भी सुगंधित था. अगर आप सुगंधित घास खिलाओगे तो सुगंधित दूध निकलेगा. तो प्राचीन समय में व्यक्ति का धन मापा जाता था ये देखकर कितनी गायें हैं. तो गायों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. और वैश्यों का कर्तव्य बनता है कि गायों की सुरक्षा की जाए. और शूद्र उसकी तुलना की जाती है किसके साथ? पैरों के साथ. पैर का फर्ज बनता है पेट को संभाले, कंधों को, सिर को. तो शूद्रों की भाव रहना चाहिए तीन वर्ण की सेवा करें. वैसे ध्यान से देखा जाए इस कलयुग में हम क्या हैं? कलो शूद्र. हम सब हैं शूद्र के समान. अगर आप कहोगे नहीं नहीं हम तो ब्राह्मण हैं तो मो शूद्र. चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम शूद्र के समान हैं. हम सबका क्या भाव होना चाहिए? क्या है उपाय हम सब शूद्रों के लिए कलयुग में? क्या है उपाय? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम. करो न
चैतन्य महाप्रभु ने बिना भेदभाव के सबको ये हरि नाम दिया। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, दूर दूर से लोग आते थे उनको देखने के लिए, उनको देखते ही हरि नाम का उच्चारण शुरू करते थे। और जब ये वापस लौटते थे लोग अपने स्थान में, उन्हें देखकर दूसरे लोग भी हरि नाम लेते थे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने पूरी प्रजा को क्या बना दिया था, वैष्णव बना दिया था। तो आज के श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और जैसे हमने संक्षेप में कहा था, नारद मुनि ने 30 गुणों का वर्णन किया है जो हर व्यक्ति जब मनुष्य देह प्राप्त करे उसे अनुकूल करना चाहिए। और नारद मुनि स्थापित कर रहे हैं कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो मैथुर्य का उपयोग होना चाहिए आध्यात्मिक संतान के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। और जो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, सबका ये भाव होना चाहिए भगवान की सेवा। जो ब्रह्मचारी है उनका कर्तव्य बनता है भक्ति की विधियों का पालन करें, सेवा करें, प्रचार की दृष्टि में रहें, स्त्रियों की संगत से बचें, स्त्रियों का चिंतन से बचें और आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ाएं। जो गृहस्थ है उनका कर्तव्य बनता है किसी प्रकार से रोजी कमाएं और भगवान की सेवा भी करें और अपने घर की देखभाल भी करें। गृहस्थ और गृह मेरी उसे कहा जाता है जब व्यक्ति पत्नी बच्चों के साथ रहता है भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के लिए। गृहस्थ कहा जाता है जब वो इस आश्रम का उपयोग करता है भगवत प्राप्ति के लिए। अगर संतान है तो संतान को शुरू से शिक्षा देते हैं, कॉमन अक्षर प्रज्ञ 5 साल की आयु से जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो वो है गृहस्थ। और जब हम नियमों के आधार पर नहीं चलें तो गृह मेरी हो जाता है। फिर वानरप्रस्थ और सन्यासी का कर्तव्य है घर घर जाए प्रचार करें, आचरण को शास्त्र के आधार पर रखें। सन्यासी के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिस प्रकार एक सफ़ेद चादर में छोटा काला का दाग भी हो वो दूर से दिख जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार सन्यासी का आचरण बिल्कुल शास्त्र पर आधारित होना चाहिए और सन्यासी का आचरण, सन्यासी को बड़े सावधानी से रहना चाहिए। ये नहीं कि हम सन्यासी हैं स्त्रियों के साथ बैठे हैं और गहने पहने इत्यादि। तो ये गृहस्थ ब्रह्मचारी इन सब का वर्णन है भगवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि जी के द्वारा। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर समाज में प्रजा को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया हो तो समाज की प्रजा कभी सुखी रह सकती है? आज समाज की जो बेचैनी है, अशांति है, उसका मूल कारण क्या है? हम आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है और शास्त्रों को आगे बढ़ाना है। तो जैसे आप जानते हो ये साल इस्कॉन की सुवर्ण जयंती है ना, और सुवर्ण जयंती के विषय में कई कार्यक्रम सारे विश्व में हो रहे हैं। हाँ, जू में भी हमने किया था जनवरी के महीने में। तो सुवर्ण जयंती के विषय में भक्तों ने एक उद्देश्य ये भी किया था कि हम प्रचार को बढ़ाएंगे, ग्रंथों का वितरण इत्यादि बढ़ाएंगे। तो ये अच्छा मौका है हम सब भक्तों के लिए ये सोचना कि हम कैसे भगवान का प्रचार बढ़ा सकते हैं जिसके द्वारा प्रभुपाद की महिमा और भी बढ़ेगी।
तो हमें शास्त्रों का बड़े ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। आप में कितने भक्त हो जो रोज भगवतम या गीता पढ़ते हो? हमारा भावना है कि हम सब पढ़े। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों को प्रकाशन करने पर बहुत बल दिया, और हमें इन ग्रंथों को क्या करना है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो हमारा भाव होना चाहिए रोज समय निकालें शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? No questions. Question answers ke baad. Yes. Hare Krishna Maharaj. Thank you Maharaj for the class. Maharaj, I mean, class khatam nahi hui. Maharaj, just wanted to ask how important it is for all the sections of the society to take guidance from the brahmanas, kyunki ye verse mein to aisa lagta hai ki 30 qualities mein anyone who is a human being has been told to read scriptures. Aisa lagta hai ye sare brahmanas ki qualities hai. So how important it is to take guidance from brahmanas in society? We need genuine brahmanas, and the brahmanas advise everyone. Even the kshatriya kings in the past would have brahmanical advisors. So like these are the ordinary advisors. It's very essential, A, the society have brahmanas. B, brahmanas must be there, and if you have genuine brahmanas, then they can guide. So it's important that we take guidance. One of the problems in Kali Yuga is nobody wants guidance. Our egos are so heavy. Our physical weight may be 70 kilos, but our ego is 140 kilos. So we don't take guidance from anyone. But we need to take guidance. But we should take guidance from the right source. So we, like Prabhupada said, in ISKCON we want real brahmanas, not rubber stamp brahmanas. In fact, once somebody asked Prabhupada, can you do any magic? Prabhupada said, no, I can't do any magic. But what magic I've done? So the man was really curious. What magic has he done? I have converted thousands of lectures into brahmanas. So that is possible by spiritual technology. Any more questions? Hare Krishna Maharaj. जैसे आप बोले कि व्यक्ति को भागवतम गीता पठन करना चाहिए, कभी कभी हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं दो दिन तीन दिन रेगुलर होता है, फिर बाद में भूल जाते हैं, फिर निश्चय होता नहीं, फिर बाद में 10-15 दिन का तो फिर याद होता है। तो प्रत्येक दिन क्या करने से, प्रत्येक दिन जैसे भोजन करते हैं, प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए इच्छा प्रकट कैसे होगा? इसीलिए क्योंकि कलयुग में हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हमें हर हर चीज़ लिखनी पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं नस्त परेशु बद्रेशु नित्यम भगवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भगवती राय सकी। हमें रोज ध्यान से श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। ये नहीं दो तीन दिन पढ़ लिया फिर एक हफ्ता छुट्टी। अब रोज खाते हो या नहीं? कि तीन दिन खाते हो फिर एक हफ्ता नहीं खाते। तो जैसे हम रोज खाते हैं, आध्यात्मिक अन्न भी हमें रोज खाना चाहिए। आध्यात्मिक अन्न क्या है? जप करना, शास्त्र पढ़ना इत्यादि। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी।
I have a small question. You discussed from Upadeshamrita about Atyahar, and so sometimes we are busy doing our business and keep expanding it so much that sometimes we miss out our services. So should we never focus on expanding business and remain in, or maybe I want some guidance from you on this, some vision on this, how to strike a right balance? You can expand your business provided Krishna is the proprietor of the business. You understand what that means? If you expand the business thinking that I'm the proprietor, I'm the enjoyer, then you take on all the karma also. But if you say, Krishna is the proprietor, I'm just the manager and I offer the results to Krishna, then you can expand. And if you're ever at a point where you want to understand, am I over-endeavoring or I'm just endeavoring, then you can consult a spiritually advanced devotee for guidance. Okay. Hare Krishna. Yeah. Guru Maharaj. Gurudev, I'm here. Okay. Sorry. No problem. I'm just like to realize where the voice is coming from. Gurudev, I'm here. मैं पूछ रही थी आपने लेक्चर में बताया कि साधु संघ और साधु सेवा करनी चाहिए तो साधु सेवा में हमें क्या सेवा इम्पोर्टेंट देनी चाहिए और कैसे हमें पता चले कि गुरुदेव प्रसन्न है हमारी सेवा से साधु संघ में क्या करना चाहिए साधु से सबसे महत्वपूर्ण सेवा सब भक्तों के लिए हरि नाम का उच्चारण हमें 16 माला जो जिम्मेदारी हमने ली है रोज निभाना चाहिए एंड आवर एंडेवर शुड बी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर जापा दैट मीन्स वी सिट डाउन अटेंटिवली इन हियर द स्पिरिचुअल मास्टर इज प्लीज्ड व्हेन ही सीज़ द डिसाइपल्स मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड द साइन ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज गेटिंग अटैच्ड टू द होली नेम गेटिंग अटैच्ड टू द शास्त्र Developing humility, developing the mood of seva, seva towards all Vaishnavas and Vaishnavis. Developing humility. Humility means I'm ready to accept direction, I'm ready to accept guidance, I'm ready to accept knowledge. Okay, any other question or koi prashan? No more questions? Okay, we better stop then. Thank you very much.